Students, now in today's SGP lecture, in Unit 1, Elements of Protection, we are going to study about the earthing. अब last lecture में हम लोगों ने neutral earthing के बारे में देखा था और neutral earthing की जो methods है उसके बारे में भी हमने देखा था कि total 5 टाइप की methods है जिसकी हेल्प से हम न्यूट्रल अर्थिंग कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सॉलिड अर्थिंग, सेकंड वन है रेजिस्टेंस अर्थिंग, थर्ड वन है रिएक्टर्स अर्थिंग, फोर्थ वन है पीटरसन कॉइल और जिसको हम बोल सकते हैं आर्क सेपरेशन कॉइल अर्थिंग, एंड फिफ्थ वन है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर अर्थिंग। अब इसमें से हमने सॉलिड अर्थिंग के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस अर्थिंग के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ रेजिस्टेंस अर्थिंग, सो रेजिस्टेंस अर्थिंग का डायग्राम आपको दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर वाई बी, यानी कि थ्री फेज लाइन ली है, यानी कि दे आर कनेक्टेड इन दिस स्टार एंड हियर इट इज़ प्रोवाइडेड न्यूट्रल एंड थ्रू रजिस्टर अर्थिंग इज प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल को अर्थिंग दिया गया है बट यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू अर्थिंग दिया गया है। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे रजिस्टेंस अर्थिंग, यानी कि जो न्यूट्रल होता है उसको रजिस्टेंस के थ्रू अर्थ किया जाता है। ये मेथड का यूज़ तब किया जाता है कि जबकि फोर्ड करंट जो होता है उसको अगर हमें लिमिट करना हो तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस अर्थिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। जो रेजिस्टेंस यहाँ पे अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो या तो मेटल का या तो लिक्विड कॉलम के फॉर्म में हो सकता है। अगर मेटल का रेजिस्टेंस अपन यूज़ करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होगा उसके पास कुछ इंडक्टेंस भी रहेगा, तो जब भी ओवरहेड लाइन है उसके ऊपर अगर लाइटनिंग सर्ज की वजह से जो इक्विपमेंट होता है उसका जो इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो जाता है। अगर मेटल रेजिस्टेंस के अलावा अगर हम लिक्विड रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी कभी होती नहीं है। सो इन दिस वे लिक्विड रेजिस्टेंस इज फार बेटर देन द मेटल रेजिस्टेंस। जस्ट सपोज यहाँ पे जो तीन लाइंस हैं उसमें से फेज बी में अगर फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो बी फेज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा IF यानी कि फॉल्ट करंट, दूसरा होगा IBR एंड तीसरा होगा IBY। ओके, फेज बी में फॉल्ट हुआ है तो बी में से लेके जो R में जो कंपोनेंट जाएगा R फेज में उसको हम बोलेंगे IBR, और फेज बी में से जो Y फेज में जाएगा उसको हम बोलेंगे IBY। यानी कि जो फेज करंट है फेज बी में जो आई बी करंट फ्लो हो रहा होगा नॉर्मल कंडीशन में आफ्टर फॉल्ट दैट करंट इज हैविंग थ्री पार्ट्स, यानी कि इट्स हैविंग टोटल थ्री कंपोनेंट्स IF, IBR एंड IBY। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर डैश है उसको न्यूट्रल, आप देख सकते हो डायग्राम में भी कि जो आर डैश है उसको न्यूट्रल और ग्राउंड इन दोनों के बीच में कनेक्ट किया गया है, तो इसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है वो फॉल्ट करंट के पाथ में भी मिलेगा। ओके, तो जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा उसको दो टोटल रेजिस्टेंस मिलेंगे, एक तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस और दूसरा जो रेजिस्टेंस हमने ऐड किया है आर डैश, वो दोनों रेजिस्टेंस फॉल्ट करंट को पाथ में मिलेंगे। तो इसकी वजह से
जो फॉल्ट करंट है आई एफ लेस 90 डिग्री बिहाइंड दी फॉल्टी फेज वोल्टेज, यानी कि जो फॉल्ट करंट होगा वो जो फॉल्टी फेज वोल्टेज है उससे लैग करेगा, बट वो एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग नहीं करेगा, बट 90 डिग्री से कम एंगल पे वो फॉल्टी फेज वोल्टेज को लैग करेगा। हमने जो सॉलिड अर्थिंग में देखा था, ओके, बट सॉलिड अर्थिंग में क्या होता था कि अगर फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ जो सॉलिड अर्थिंग होगा उसमें हम कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉल्ट करंट होगा वो फॉल्टी फेज वोल्टेज को लैग तो करेगा, बट जो एंगल मिलेगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस होगा नहीं। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस अर्थिंग एंड सॉलिड अर्थिंग, यानी कि जो रेजिस्टेंस अर्थिंग होगा उसमें जो फॉल्ट करंट है वो 40 फेज वोल्टेज से लैग करेगा, बट जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा। यहाँ पे वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है, ओके, तो वेक्टर डायग्राम में आप देख सकते हो, तो सबसे पहले ये जो है आर का फेज वोल्टेज है, ये बी का, ओके, तो आर वाई बी, ओके, तीन फेज वोल्टेज हो गए, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वोल्टेज का जो एंगल है ये जो है वो वेक्टर वी बी आर बनेगा, ओके, और ये जो है वो बनेगा वी बी वाई। सेम वे जो फॉल्ट करंट है वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर वाई बी यानी कि जो तीन फेज वोल्टेज है उसको बनाएंगे, यानी ये आ जाएगा वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन, ओके। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जो लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा वी आर वाई। इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो मिलेगा वो हमें मिलेगा वी बी आर, और यहाँ पे ये दोनों को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वी बी एन एंड वी वाई एन, दोनों की वजह से जो लाइन वोल्टेज मिलेगा वो हमें मिलेगा वी बी वाई, ओके। अब यहाँ पे जो वी बी एन हमें मिल रहा है, ओके, अगर हम उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो अब यहाँ पे जो B है उसके पीछे हमें ये उसका करंट मिलेगा, ओके। सेम वे यहाँ पे जो Y है यानी कि वी वाई एन उसके पीछे दूसरा करंट मिलेगा, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें फॉल्ट करंट मिलेगा ये आई सी एफ, ओके। तो ये करंट जो हमें मिल रहा है वो है आई बी आर, दूसरा मिलेगा आई बी वाई, और उन दोनों के समेशन से जो मिलता है वो हमें मिलेगा फॉल्ट करंट आई सी एफ। यहाँ पे जो आई बी आर करंट है वो वी बी आर जो वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे रहेगा, और जो करंट आई बी वाई है वो वोल्टेज वी बी वाई से 90 डिग्री आगे रहेगा, ओके। जो दोनों करंट है यानी कि आई बी आर और आई बी वाई, इन दोनों को मिला के जो वेक्टर हमें मिलेगा वो हमें करंट वेक्टर मिलेगा आई सी एफ, यानी कि फॉल्ट करंट। यहाँ पे जो फॉल्ट करंट है यानी कि जो आई एफ है उसके दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कंपोनेंट मिलेगा आई एफ आर और दूसरा मिलेगा आई एफ एल। जो आई एफ आर जो मिलेगा वो जो फॉल्टी वोल्टेज है यानी कि फॉल्ट कहाँ पे हमने देखा, बी फेज में यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, तो उसका वोल्टेज कौन सा है, वी बी
एन। तो वी बी एन हमने कौन सा लिया है, ये है वो वी बी एन है, यानी कि जो वी बी एन है उसको हम बोल सकते हैं फॉल्टी वोल्टेज, क्योंकि फॉल्ट फेस बी में हो रहा है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे जो फॉल्टी वोल्टेज वी बी एन है उसके साथ जो आई एफ आर है वो इन फेज रहेगा। ओके, आप देख सकते हो दोनों की एक ही डायरेक्शन है। ओके, जबकि जो आई एफ एल है वो वी बी एन से 90 डिग्री लैग करेगा। ओके, ये है आई एफ एल और ये है वी बी एन। तो जो आई एफ एल है वो आप देख सकते हो वेक्टर डायग्राम में कि जो फॉल्टी फेज वोल्टेज है वी बी एन उससे 90 डिग्री लैग हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर डैश जो हमने यूज़ किया है अर्थिंग के लिए उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो आई एफ एल एंड जो आई सी एफ है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी कि आई एफ एल एंड आई सी एफ अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम रहती है वो होगी नहीं। इसके अलावा भी जो ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस होते हैं वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आर डैश की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो करंट आई एफ एल है वो आई सी एफ करंट जो है उसको कैंसिल कर पाएगा नहीं, और उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होगी वो अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम की जैसी होगी और उसकी वजह से सिस्टम में ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज होंगे। तो ये जो मेथड्स है रेजिस्टेंस अर्थिंग उसका मेन बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस जो यूज़ कर रहे हैं आर डैश उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से हम आर्किंग ग्राउंड की प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं और जो ट्रांजिएंट ऑसिलेशंस होते हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो रेजिस्टेंस अर्थिंग है उसकी एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो जो भी आर्किंग ग्राउंड की वजह से सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है उसका आर्किंग ग्राउंड को जो वो नलीफाई करता है, जो शॉर्ट आउट कर देता है, यानी कि जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो प्रोड्यूस हो पाएगी नहीं। दूसरा, अगर हम देखने जाए तो जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। थर्ड वन है कि जो कम्युनिकेशंस लाइंस जो होती है जो नियर बाय पास होती है उसको जो डिस्टर्बेंस रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा। और फोर्थ वन है कि यहाँ पे हम अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेजिस्टेंस अर्थिंग, रेजिस्टेंस अर्थिंग के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट है वो है कि सिस्टम है वो कॉस्टली हो जाएगी। सेकंड वन है कि जो हेल्दी फेज वोल्टेज है उसके जो वोल्टेज है उसके जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, बट वो इतनी भी इंक्रीज नहीं होती कि जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट का जो इंसुलेशन होता है उसको वो डैमेज कर पाए। बट देन ऑल्सो जो हेल्थी फेज वोल्टेज जो रहते हैं वो इंक्रीज होते हैं, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। अब इस टाइप का जो अर्थिंग है वो मोस्टली 2.2 केवी से लेके 33 केवी की जो सिस्टम होती है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं और जहाँ पे पावर सोर्स की कैपेसिटी 5 MVA से ज़्यादा हो वहाँ पे रेजिस्टेंस अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिएक्टेंस अर्थिंग। तो रिएक्टेंस अर्थिंग में क्या होगा कि जो हमने रेजिस्टेंस अर्थिंग में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, रिएक्टेंस अर्थिंग में रिएक्टेंस यानी कि कॉइल को इंसर्ट करेंगे, यानी कि जो रिएक्टेंस है उसको न्यूट्रल
और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा उसकी जो वैल्यू है, वो जो एक्सटर्नल रिएक्टर्स हमने ऐड किया है सर्किट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होगा कि जो भी फॉल्ट करंट है उसके पाथ में बाद में ज़ीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस तो आएगा ही, बट इसके अलावा भी जो रिएक्टेंस जो है जो हमने कनेक्ट किया वो भी उसके पाथ में ऐड होगा। जो फॉल्ट करंट रहता है उसकी वैल्यू हम रिएक्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मेथड है उसका यूज़ करके हम पूरी सिस्टम को सॉलिड अर्थ सिस्टम जैसी भी बना सकते हैं। जो अर्थ फॉल्ट करंट जो प्रोड्यूस होता है, जब भी फॉल्ट होता है उस टाइम में, तो जो अर्थ फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है वो जो थ्री फेज फॉल्ट करंट रहता है उससे 1/4 जितनी रहती है। यानी कि जो अर्थ फॉल्ट करंट जो है उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए नहीं। अब इस टाइप की जो रिएक्टर्स अर्थिंग है उसको कहाँ कहाँ एम्प्लॉय किया जाता है, तो सबसे पहले कि जहाँ पे चार्जिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा रहती है वहाँ पे इस टाइप का अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। लाइक ट्रांसमिशन लाइन है, अंडरग्राउंड केबल्स है, इन सब जगह पे रिएक्टेंस अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द रिएक्टेंस अर्थिंग, तो सबसे पहले है कि अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कैन बी गिवन। सेकंड वन, द वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट इज रिड्यूस्ड, सो द डिस्टर्बेंस टू द नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन्स आर रिड्यूस्ड। अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो भी कम्युनिकेशन लाइन्स है जो उसके पास से पास होती है तो उसमें डिस्टर्बेंस बढ़ जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्टेंस को इंसर्ट करके जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं, तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन लाइन्स है जो नियर बाय पास होती है उसका जो डिस्टर्बेंस है वो उसको कम हो जाएगा। द सर्किट ब्रेकर हैज़ टू ब्रेक कंपैरेटिवली लेस वैल्यू ऑफ द फॉल्ट करंट, यानी कि रिएक्टर्स अर्थिंग की वजह से जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो सर्किट ब्रेकर है, अगर पहले हाई वैल्यू का फॉल्ट करंट रहता है तो जो सर्किट ब्रेकर है उसको हाई वैल्यू का जो फॉल्ट करंट होगा उसको ब्रेक करना होता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाई रेटिंग के सर्किट ब्रेकर यूज़ करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि रिएक्टर्स अर्थिंग में रिएक्टर्स की हेल्प से फॉल्ट करंट की वैल्यू हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो कम वैल्यू का फॉल्ट करंट होगा वो सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करना होता है, तो उसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर का रेटिंग है वो रिड्यूस होता है और उसकी वजह से जो कॉस्ट है उसमें भी मुनाफा मिलता है। नेक्स्ट वन, कि जो आर्किंग ग्राउंड की जो प्रॉब्लम है वो रेजिस्टेंस अर्थिंग की हेल्प से अवॉइड की जा सकती है। नेक्स्ट वन है डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिएक्टर्स अर्थिंग, तो यहाँ पे जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस होते हैं उसको हम सप्रेस कर सकते नहीं हैं अगर रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो। तो हमने देखा था कि रेजिस्टेंस अर्थिंग में क्या होता था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज होते हैं। सेम वे रिएक्टेंस अर्थिंग में अगर रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस जो रहते हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। यानी कि वी कैन नॉट सप्रेस ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस इफ द वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंस इज मोर, तो इसकी वजह से
कि जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं कि जिसको हम लाइन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो सकता है। सेकंड कि जो सर्ज वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या होगा कि जब भी स्विचिंग ऑपरेशन किया जाता है तो उस टाइम पे हर बार जो रिएक्टेंस है इट विल बी इन पिक्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ द सर्ज वोल्टेज विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट वन है कि जो फॉल्ट करंट है और जो कैपेसिटिव चार्जिंग करंट है दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली न्यूट्रलाइज करेंगे नहीं, तो इसकी वजह से आर्किंग ग्राउंड की जो थोड़ी जो इफेक्ट है वो रह जाती है। सो दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिएक्टेंस अर्थिंग।